दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। प्रतापगढ़ अल्प वर्षा के कारण प्रभावित खरीफ फसल से करीब किसानों को तुरंत गिरदावरी कराकर खराबे का मुआवजा दिलाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर मिनी सचिवालय पहुंचकर ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। व ग्रामीणों ने व प्रधान प्रतिनिधि गोपाल मीणा व सरपंच संघ अध्यक्ष राम प्रसाद मीणा व पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य व किसान ग्रामीण मौजूद रहे व बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। जिला अध्यक्ष सरपंच संघ जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, आज हम दमोत्तर पंचायत समिति के राम प्रसाद मीणा सरपंच संघ जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, आज हम दमोत्तर पंचायत समिति के सभी काश्तकार एवं प्रधान प्रतिनिधि सरपंच सब ने मिलकर आज मुख्यमंत्री महोदय को हमने फसल सूखे के खातिर, बरसात के खातिर फसल सूख गई उस खराबे के खातिर हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि बरसात की कमी के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सरकार द्वारा जो मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर जो जटिलताएं हैं, बीमा कंपनी ने जो जटिलताएं रखी है, टोल फ्री नंबर पे आवेदन करो, उसमें इतनी जटिलताएं हैं और अशिक्षित होने के कारण उस जटिलताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस प्रोग्राम पूरी फाइल को नहीं समझ पाते हैं, फिर इससे वो वंचित रह जाते हैं काश्तकार। तो हमारा मांग यही है कि बीमा कंपनी उस जटिलता को भी कम करे। और दूसरी बात यह है कि गिरदावरी और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। और हमारे इस दमोदर पंचायत समिति के 30 पंचायतों में करीब करीब 60% लोग वन भूमि पर काश्तकार कर रहे हैं और उनको वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। और इस बीमा कंपनी की उस गाइडलाइन में वन अधिकार को नहीं जोड़ा है तो उसको भी जोड़ा जाए। राज्य सरकार गिरदावरी रिपोर्ट करवाए, वन अधिकार पट्टों वालों का उनको भी मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।